गुड मॉर्निंग। हेलो, ये देखो, ये मेरे पीछे आगे पीछे ही घूमता रहता है। जहाँ मम्मी जाएगी वहाँ मेरा डॉलर जाएगा। मैं बाहर जाऊँगी तो बाहर आ जाएगा, रसोई में जाऊँगी तो रसोई में आ जाएगा। अब देखो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये हमारी चाय तैयार हो गई है। अभी दोबारा से इनको चाय देने वाली हूँ। फिर बच्चों के लिए मैं बनाने वाली हूँ चावल के पराठे। पनीर और चावल का पुलाव बनाया था कल मैंने, तो रात के ही उसका पराठे बना देंगे। कि ये मेरा साथ भी नहीं दे रही है। चारू चारू आँख खोलो, देखो ये कैसे सो रही है, इसको इतनी ठंड लग रही है। चलो अब नाश्ता तो कर लो, मेरे हाथ में दर्द है लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ चारू आप बना दो, इसकी नींद नहीं खुल रही है। देखो एक कुंभकर्ण ये सो रहा है, मुझसे बोला इसने कि मम्मी आप जो भी है पराठे बना दो। लेकिन इसको देखो कितनी नींद आ रही है। ये हमारा बड़ा बेटा है मोनू, ये छुटकू है, अब ये पेस्ट कर रहा है। हाय सुमित। तो ये हमारी चाय, ये इनकी दूसरी चाय है सुबह की, और हम इनको चाय देने जा रहे हैं। तो अब ये चाय दोबारा पियेंगे। कहाँ गए? आ जाओ, आओ ना। बुरी तरह से ये देखिए, इनका कहना है कि तुम्हारा कुत्ते ने तुम्हें काट लिया। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात, ये रसोई में घुस गए हैं, मेरे लिए चाय लेके आ रहे हैं। कि अगर अकेले चाय नहीं पीऊँगा, और मुझे दो दो बार चाय पिला देते हैं, ये इतनी चाय पीते हैं हम लोग सुबह सुबह। ओहो, ये देखिए मेरे लिए चाय तैयार कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। अरे यार क्या पागल इतने। तो मोनू चाय बना रहे हैं हमारे लिए। मैं इनको मोनू बोलती हूँ, मेरे बेटे का नाम है वैसे तो, लेकिन प्यार से बोलती हूँ मैं इनको। देखो ना चाय बन गई मेरे लिए। नहीं बना रहा, वैसे मैंने इनको चाय दे दी। मोनू जल्दी आ जा भाई, मोनू डिस्टर्ब हो रहे हैं, गाड़ी रोड पे लगाने हैं क्योंकि दुकान खुलने वाली है और लेट हो गए बच्चे। आज बच्चों का मन ही नहीं कर रहा उठने का। पापा चाय के साथ साथ गाड़ी की भी चिंता, सब चीज़ों की इनकी चिंता। क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखो रसोई में भी इनकी एक्सरसाइज चल रही है। सोफे पे बैठते तो बिजनेस की बातें चलती है। ये देखिए चाय, दोबारा चाय में मेरे को भी पीनी पड़ रही है। तो हमें गोंद के लड्डू बनाने थे जो मेवा, लेकिन मैंने उसके लिए पंजीरी बना दी क्योंकि टाइम कम था और इसको ये जल्दी जल्दी कर रहा था। तो इसे पंजीरी बहुत पसंद है और ये हर रोज खाता है। तो ये देखिए अपने आप ही ले रहा है। मैंने इसका बनाया चावल और पनीर का पराठा, लेकिन इसको पसंद नहीं है छुटके मेरे बेटे को। अब ये कह रहा है मेरे लिए प्लेन बनाओ। तो चलो मैं प्लेन पराठा बना देती हूँ इसका, कोई बात नहीं। बाकी ये तैयार हो गया था, चाय भी तैयार हो गई थी इसकी। तो ये हमारा चाय और ये प्लेन पराठा। तो ये इसका नाश्ता तैयार हो गया है, और इस बड़े वाले के लिए चावल और पनीर के पराठे बन रहे हैं। तो ये मेरे को रात को मैं टीका लगवाने गई थी, तो ये सर्कल वाला टीका जो लगाया था इसमें ही पता चलेगा इन्फेक्शन। लेकिन मुझे बहुत लेट हो रहा है, और मुझे बुलाया था 10 बजे। देखते हैं मेरा काम होगा या नहीं होगा। इनके नाश्ते में मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अब मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, चलते हैं फिर। ये दीनदयाल हॉस्पिटल है, यहाँ पे पर्ची बनाई जाती है। बाकी यहाँ पे टीके अंदर लगती है इमरजेंसी में।
तो हम दीनदयाल हॉस्पिटल आ चुके हैं और हमें अभी लेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। 10 बजे बुलाया था लेकिन 12 बजे का टाइम है इनका देखने का, तो मैं वेट कर रही हूँ। बाकी इनको मैंने घर भेज दिया है क्योंकि ये काम पे निकलेंगे।